गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सो कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? अच्छा सर मोनोसेकेराइड फंक्शनल ग्रुप सर। मोनोसेकेराइड फंक्शनल ग्रुप। जरा यस सर। लास्ट वाला सेंटेंस बता दो, क्या लिखा था? सर एल्डोस और कीटोन सर। नहीं, लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ लो, सेंटेंस पढ़ लो, क्या लिखा था? कोई बच्चा पढ़ लो, लास्ट वाला सेंटेंस क्या लिखा था कॉपी पे? लास्ट सेंटेंस में क्वेश्चन दिया था आपने, और उस क्वेश्चन से पहले क्या लिखा था? क्या आप लोगों को मैंने वो नाम बताया था मोनोसैकेराइड का, एल्डोसिस और कीटोसिस का? यस सर। हाँ, जिसमें सीरो हेप्टो सीरो हेप्टोलोस वगैरह लिखा था। हाँ यस सर। ओके ओके, आई गॉट इट नाउ। चलो, आप लोगों ने हेडिंग डाला था स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, है ना? तो यस सर। अब बच्चों, हम लोग वो स्ट्रक्चर जो और वो टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे, और सेम टॉपिक रहेगा, उसी को आपको आगे लिखना है। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, उसी को सब टॉपिक है यहाँ, और लिख लेना लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सर, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे सुन पा रहा है, सो आप लोग प्लीज मुझे होस्ट बनाएं ताकि मैं स्क्रीन को शेयर कर पाऊं। इफ देयर इज एनी, थैंक यू। चलो बच्चों, बता दो मुझे अब, मोनोसैकेराइड्स में या कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होता है? मैं अभी भी स्क्रीन को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। सीपीएसपी बदरपुर, अगर कोई वहां पे कोई टीचर या कोई एकेडमिक है तो प्लीज आप मुझे होस्ट बनाए ताकि मैं स्क्रीन को शेयर कर पाऊं। चलो, तब तक हम लोग रिवाइज करेंगे लास्ट वाला। सो बच्चों, आप लोग बता दो मुझे कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में। व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। और सेकंड फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। जरा अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को? अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट को? एल्डोसिस। एल्डोसिस कहते हैं अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो उनको हम लोग कहते हैं कीटोसिस। आप लोग प्लीज रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने से फिर जाके आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप लोग घर पे नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी ट्रांसपेरेंसी आएगा ही नहीं। सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू पीपल इज अटेंड द लेक्चर्स, और उसके बाद घर पे रिवाइज करते रहो। तो क्या आप लोग बताएंगे मुझे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है, मैंने आप लोगों को जो बताया था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस किस ऑर्गेनिज्म से मिलता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन कर सकते हैं? प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब बैक्टीरिया हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो बच्चों, कोई ड्रग्स का एग्जांपल बता दो आप लोग मुझे। ड्रग्स का एग्जांपल बताओ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कोई ड्रग्स का एग्जांपल बताओ। विनब्लास्टिन और कुरकुम। वेरी गुड, विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन। जरा अल्कोलाइड का एग्जांपल बताओ। मॉर्फिन कोडिन सर। मॉर्फिन एंड कोडिन, गुड।
तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और बच्चों इस वाले लीनियर स्ट्रक्चर को हम ऑल्सो कहते हैं फिशर फॉर्मूला। और फिशर फॉर्मूला में आप लोग यहाँ में पहला वाला स्ट्रक्चर जैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैं आप लोगों को ग्लाइसरलडिहाइड का स्ट्रक्चर बता दूंगा। देखो बच्चों हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट का एक चेन बनाना है। तो अगर मैं ट्रायो शुगर बता दूं, बच्चों ट्रायो शुगर में कितने कार्बन एटम होंगे? थ्री कार्बन एटम, गुड है। तो अब यहाँ पे हमें तीन कार्बन एटम का चेन बनाना। तो फिर अगर मैं एल्डोज को बनाऊं तो कार्बन एटम फर्स्ट में मुझे CHO बनाना है, और फिर हमें इसका नंबरिंग करना होता है। अगर मैं ये फर्स्ट नंबर दे दूं, ये सेकंड दे दूं, ये थ्री दे दूं, और अगर ये फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है, तो पहले नंबर पे CHO होता है। और इसमें कीटो शुगर में सेकेंड कार्बन एटम पे कीटोनिक ग्रुप होता है। तो बच्चों एल्डो शुगर में हमेशा लास्ट कार्बन एटम पे CH2H होता है, और इसमें भी हमेशा पहले कार्बन एटम पे CH2H होगा और लास्ट वाले कार्बन एटम पे CH2H होगा। और अब यहाँ में हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है बराबर कार्बन का वैलेंसी, तो यहाँ में OH होता है और यहाँ में H होता है। तो अब आप लोग याद रख लेना आज से ये स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसरलडिहाइड का। और बच्चों ये स्ट्रक्चर होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। जो कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होता है तो उसको कहते हैं काइरल कार्बन एटम। और अगर आप इधर देख लोगे ये कार्बन जो है चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। वो चार डिफरेंट ग्रुप क्या है? OH, और क्या है? CHO, और क्या है? H, और क्या है? CH2OH। तो इसीलिए इस कार्बन एटम को जो चार डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच रहता है, गाइस टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्बन एटम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्बन एटम? काइरल कार्बन एटम, जो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। अब देखो इधर में, यहां में दो हाइड्रोजन सेम है इसीलिए ये काइरल नहीं होगा, यहाँ में दो हाइड्रोजन सेम है इसीलिए ये काइरल नहीं होगा, यहाँ में दो हाइड्रोजन सेम है इसीलिए काइरल नहीं होगा। लेकिन इस कार्बन पे तीन ही ग्रुप अटैच है, ये तो इसीलिए ये भी काइरल नहीं होगा। तो इसमें ये काइरल नहीं होगा क्योंकि तीन ही ग्रुप है, एच है, ओ है, और ये वाला नीचे वाला है। तो इसीलिए इसमें खाली एक काइरल कार्बन एटम है और इसमें कोई काइरल कार्बन एटम नहीं है। तो यू कैन राइट दिस पॉइंट हियर, ग्लाइसरलडिहाइड ग्लाइसरलडिहाइड इज सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। हाँ मैं अभी रिपीट कर देता हूं, जो कोई सा भी कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है तो उस कार्बन को कहते हैं काइरल कार्बन एटम। अगर आप लोगों को पता नहीं है, ये आपको केमिस्ट्री का सब बेसिक पॉइंट है, नहीं पता है मैं अभी लिखाऊंगा। तो बच्चों यहाँ में जो ये सेंट्रल कार्बन है ना, आप देखो इसके साथ चार ग्रुप अटैच है और वो सारे के सारे डिफरेंट है। OH है डिफरेंट, H है और डिफरेंट, CHO है डिफरेंट, और CH2OH है डिफरेंट। तो इसीलिए इसको काइरल कार्बन एटम कहेंगे। यहाँ में देखो कितने ग्रुप्स अटैच है, नीचे वाला एक, OH एक, और दो एच। अब 2H आगे मतलब सेम है, चार डिफरेंट नहीं है, तो इसीलिए ये काइरल नहीं है। यहाँ में देखो कितने ग्रुप अटैच है, 1, 2, 3, काइरल नहीं है। यहाँ में कितने ग्रुप अटैच है, ऊपर वाला एक, OH और CH2 दो, तो यहाँ में H2 दो है तो सेम रहे, तो मींस चार नहीं है डिफरेंट। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ग्लाइसरलडिहाइड इज सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड एंड हैज वन काइरल कार्बन एटम। काइरल कार्बन एटम, तो काइरल कार्बन एटम का मतलब क्या है? कार्बन एटम अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स।
सर आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया, शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पे जो ग्लाइसरल कार्बन एटम अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स, उसको काइरल कार्बन एटम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ में कार्बन मान लू, और यहाँ मैं मानूंगी इसका सब, चलो मैं OH वगैरह अभी नहीं लूंगा, मैं कुछ चार डिफरेंट ग्रुप्स लूंगा। सो मैं चार डिफरेंट ग्रुप्स में मेंशन क्या करूंगा, सपोज यहाँ में मैंने X मेंशन किया, यहाँ में मैंने Y मेंशन किया, और यहाँ में मैंने Z मेंशन किया, और यहाँ में मैंने A मेंशन किया। तो ये कार्बन एटम को हम लोग कहते हैं काइरल कार्बन एटम। और ये है ग्रुप अटैच। और बच्चों X ग्रुप है, Z ग्रुप है, Y ग्रुप है, A ग्रुप है, इनमें से कोई भी सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से देखो यहाँ में ये एक है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, चारों के चारों डिफरेंट है। तो अब इसमें कोई भी ऐसा कार्बन एटम नहीं है जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, तो ये है रिगार्डिंग ग्लाइसरलडिहाइड का स्ट्रक्चर, और ये है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन का स्ट्रक्चर। और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में आप लोग लिख लेना कि इट हैज नो काइरल कार्बन एटम। तो यू कैन राइट द नेक्स्ट पॉइंट देयर, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन हैज नो काइरल कार्बन एटम। अब आप लोगों को शायद नहीं पता है काइरल कार्बन एटम का, क्योंकि आप लोगों ने शायद उतना केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे ग्लाइसरलडिहाइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिपीट कर लूंगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लूंगा। तो बच्चों ग्लाइसरलडिहाइड का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होगा, H, H, OH, और नीचे होगा C डबल बॉन्ड O, नीचे होगा H, H, OH। अब बता दो खुद ही मुझे, क्या ये कार्बन काइरल है या नहीं है? यस सर। है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ में दो H क्या है, सिमिलर। वेरी गुड। अब बता दो मुझे, क्या ये वाला काइरल कार्बन एटम है? नहीं है, क्योंकि इसमें कितने ग्रुप्स अटैच है, 1, 2 और 3। जरा बच्चों ये तीसरा वाला काइरल कार्बन एटम है? नहीं सर। नहीं है। इसमें क्या है, दो H क्या है, सेम है। तो इसीलिए ना तो ये काइरल है, ना तो ये काइरल है, ना तो ये काइरल है। तो लेकिन ये हमने इस स्ट्रक्चर में थोड़ा लिखा था कंपैक्टेड फॉर्म में, लेकिन बेसिकली ये ऐसे होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। ये है रिगार्डिंग द ग्लाइसरलडिहाइड के बारे में, और रिगार्डिंग द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के बारे में। अब जरा लिख लो आप अपने कॉपी पे, नाउ यू विल राइट द ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लिख लेना, मैं आपको ग्लूकोज का बता दूंगा आप स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम। ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर जो होगा, या चलो राइबोज का बताऊंगा मैं, राइबोज का, क्योंकि वो हमें नीड है। अपना माइक्रोफोन बंद रख लेंगे आप, माइक्रोफोन जो भी बच्चा है माइक्रोफोन बंद रख लेगा, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ मैं ग्लूकोज राइबोज बना लूंगा। तो बच्चों राइबोज का स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम होंगे, 4 या 5? 4 या 5? अरे राइबोस क्या था, पेंटो शुगर था या कुछ और था? पेंटोस था। पेंटोस था, तो पेंटोस में कितने कार्बन एटम होंगे? 5 होंगे। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ में पेंटो शुगर बता दूंगा। तो पेंटो शुगर में यहाँ में मैं CHO दिखाऊंगा, और बच्चों इधर में मैं कीटो ग्रुप दिखाऊंगा।
तो दैट मींस ये वाला स्ट्रक्चर में आप लोगों को इधर में राइबोस दिखाऊंगा और ये वाला स्ट्रक्चर में इधर में आप लोगों को राइबोस दिखाऊंगा। और ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और इसका मैं यहाँ में डीऑक्सीराइबोस बना लूंगा। अब देखो अगर एल्डो शुगर है तो पहला वाले पे CHO होगा और लास्ट वाले पे CH2OH होता है, और अगर कीटो शुगर है सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड होता है और पहले वाले पे CH2O होता है और लास्ट वाले पे CH2OH होता है। अब ये डीऑक्सीराइबोस भी एल्डो शुगर ही है तो इसका मतलब इसमें भी क्या होगा CHO, इसमें भी क्या होगा यहाँ में CH2OH। और अब आप लोगों को इस कार्बन पे OH 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 राइट साइड देना है और इस पे हाइड्रोजन आएगा लेफ्ट साइड। और बच्चों इस पे आप लोगों को याद रखना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइबोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O4 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5। अब देखो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में कहाँ पे डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन एटम का कमी है और इसीलिए वो ऑक्सीजन एटम कहाँ में कम होता है, वो सेकेंड कार्बन एटम पे कम होता है, तो यहाँ में H होता है और यहाँ में H होता है और बाकी सब सेम होता है राइबोस की तरह। और ये OH होगा, ये H होगा और ये H होगा और ये वाला बाकी सेम होगा राइबोस की तरह, यहाँ में OH OH और यहाँ में H और यहाँ में H होगा। अब गिन लो इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। जरा बच्चों राइबोस में बता दो कितने काइरल कार्बन एटम है, अब गिन लो आप लोगों को पता चला काइरल कार्बन एटम का कैसे चेक करते हैं। अब बताओ इस राइबोस में कौन कौन सा काइरल कार्बन एटम है, क्या पहला वाला होगा, क्या पहला वाला होगा, नहीं क्योंकि तीन ही ग्रुप है O H और नीचे वाला, तो लेकिन ये वाला होगा एक डिफरेंट 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 और नीचे वाला पूरा डिफरेंट काइरल, डिफरेंट डिफरेंट ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक डिफरेंट तो ये भी काइरल, डिफरेंट डिफरेंट ऊपर वाला और नीचे वाला डिफरेंट। तो बच्चों इसमें देखो काइरल नहीं है, काइरल नहीं है, ये वाला काइरल होगा और ये वाला काइरल होगा और ये वाला काइरल नहीं होगा। तो अब आप लोगों को याद रखना है कि जो राइबोस शुगर है वो प्रेजेंट होता है RNA में और डीऑक्सीराइबोस जो है वो प्रेजेंट होता है DNA में। तो देखो राइबोस इज प्रेजेंट इन, और यहां में भी अगर आपको काइरल कार्बन एटम गिनना है ये नहीं होगा क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम है, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो राइबोस इज प्रेजेंट इन RNA, तो बच्चों RNA का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड डीऑक्सीराइबोस इज प्रेजेंट इन DNA और इसीलिए DNA का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोस की वजह से ही RNA का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्योंकि डीऑक्सीराइबो शुगर। जरा बच्चों अब कहां में डिफरेंस होता है बिटवीन द राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, एट विच कार्बन एटम, At which carbon atom there is difference between ribose and deoxyribose? At which carbon atom there is difference between ribose and deoxyribose? अरे कहाँ पे difference है, carbon atom second पे और carbon atom second पे इधर OH है, इधर में H और H है और यहाँ में OH और H है, तो इसका molecular formula कितना है C5H10O5 और इसका क्या है C5H10O4 क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कम है। आर यू डन विद दिस,
तो नेक्स्ट वाला आप लोग लिख लेना, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस differs at carbon atom second. और ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है. जरा अब राइबोस कहां में प्रेजेंट होता है बच्चों? राइबोस कहां में प्रेजेंट होता है? राइबोस में. राइबोस वेरी गुड, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक. और डीऑक्सीराइबोस कहां में प्रेजेंट होता है? डीएनए. हां डीएनए में प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. आप लोग जब आंसर में कोई मैं क्वेश्चन कुछ पूछ लो तो उस समय आप माइक्रोफोन ऑन कर लो, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के और बीच में मेरा जो कनेक्शन है आप लोगों के साथ वो इंटरनेट है, और आप लोग मेरे सामने नहीं है, तो इंटरनेट की वजह से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ. तो अब आप लोगों को रेस्पॉन्स देना है ताकि मुझे ये आए कि आप लोग कनेक्टेड है मेरे साथ. और अगर आप लोग चुपचाप रहेंगे रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो मुझे लगेगा खाली मैं ही पढ़ा रहा हूँ और ये इनको शायद समझ ही नहीं आ रहा है. तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछ लूँ माइक्रोफोन ऑन कर लो और आंसर दे दो और माइक्रोफोन बंद कर लो, लेकिन अननेसेसरी माइक्रोफोन ऑन नहीं रखना है. ये था राइबोस और डीऑक्सीराइबोस का. और अब हम लोग का देखना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा. देखो बच्चों ग्लूकोज क्या हेक्सो शुगर था या पेंटो शुगर था? ग्लूकोज आप लोगों के पास कॉपी पे टेबल एक बना हुआ है और उसमें सब मैंने मेंशन करा हुआ है कौन हेक्सोस एग्जांपल है, पेंटोस का एग्जांपल क्या है, हेक्सोस है. तो अब बताओ अगर ये हेक्सोस है कितने कार्बन एटम होंगे इसमें? सिक्स कार्बन एटम होंगे. जरा मुझे बता दो ग्लूकोज अगर एल्डो हेक्सोस था, जरा कीटो हेक्सोस का एग्जांपल बता दो. आप क्या बताया था जो हेक्सोस होता है लेकिन कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटो शुगर होता है? फ्रक्टोज. गुड. तो अब देखो यहाँ में हमें पता है कि ये कार्बन एटम जो है ये वन है, ये टू है, ये थ्री कार्बन एटम है, फोर है, फाइव है और ये सिक्स है. और ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, दिस इज फोर, दिस इज फाइव एंड दिस इज सिक्स. तो अब यहाँ में आप लोगों को याद रखना है कि एल्डो शुगर जब भी बनाएंगे हम सी एच ओ पहले पे और लास्ट पे सी एच टू ओ एच ई होता है जो आप लोगों ने सीखा. जब भी हम कीटो शुगर लिखेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले वाले पे सी एच ओ होता है, पहले वाले पे सी एच टू ओ एच होता है और दूसरे वाले पे सी डबल बॉन्ड होता है और बच्चों लास्ट वाले पे सी एच टू ओ एच होता है. बाकी इनका कार्बन एटम सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगा पहले दो के बगैर. तो यहाँ में ग्लूकोज में ओ एच इधर होता है और एच इस साइड होगा बच्चों, फिर ग्लूकोज में ओ एच एक यहाँ इस साइड होता है और एच इस साइड होगा और फोर्थ पे ओ एच इस साइड और फिफ्थ पे भी ओ एच इस साइड और एच इस साइड, एच इस साइड. और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज. कोई बच्चा बताएगा मुझे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. वेरी गुड. और यहाँ पे ग्लूकोज के ही जैसा होगा इधर में भी, बाकी चार कार्बन एटम पे OH, OH, OH और यहाँ में H होगा और बच्चों यहाँ में H होगा और यहाँ में H होगा और इसको फ्रक्टोज कहेंगे. अब बताओ फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6. अगर आप गिन लेंगे उतना ही आएगा, छह कार्बन और हाइड्रोजन कितना बताया? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. और ऑक्सीजन कितना? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H12O6. Can anyone will tell me how many chiral carbon atom are present in glucose? जरा जल्दी से बच्चों खुद अब कॉन्फिडेंटली लिख लो ग्लूकोज में कौन सा कायरल होगा और फ्रुक्टोज में कौन सा कायरल होगा. अब मैंने दो जगह पे आप लोगों को सिखाया, तीसरी जगह आप लोगों का खुद जो है वो आना चाहिए. नाउ टेल मी ग्लूकोज में कितना कायरल, फ्रुक्टोज में कितना कायरल का वर्णन.
be fast and be accurate. क्या वन होगा? नहीं होगा, सी एच ओ नहीं होगा क्योंकि तीन ही ग्रुप है. तो यहां में क्या होगा? काइरल है, चार डिफरेंट ग्रुप है, चार डिफरेंट ग्रुप है, चार डिफरेंट ग्रुप है, चार डिफरेंट ग्रुप है, यहां में नहीं होगा. तो बच्चों इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये होगा और ये होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा. तो अब ग्लूकोज में कितने काइरल कार्बन एटम है? फोर सर. हाँ वेरी गुड, फोर काइरल कार्बन. फ्रुक्टोज में तीन ही काइरल कार्बन एटम है. आर यू डन विद दिस? यस सर. अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर. और इसको हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं बिकॉज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ये, और ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होता है. तो बच्चों इसको हम लोग ऑल्सो डेक्सट्रोस कहते हैं. और यहाँ पे आप लोग लिख लेना, फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर, क्योंकि ये फ्रूट्स में होता है. और इसको हम लोग कहते हैं लिवुलोस. फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर और यह इसको लिवुलोस कहते हैं. और यहां पे लिख लेना, फ्रुक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर. और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे रहता है? इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स. और बच्चों ये प्रेजेंट रहता है डेट्स में, खजूर में रहता है, और ये प्रेजेंट रहता है हनी में भी. तो इसीलिए हनी भी मीठा होता है, फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, डेट्स भी मीठे होते हैं. तो उनमें जो शुगर है वो फ्रुक्टोज है और वो सबसे मीठा शुगर है. Which is the most sweetest sugar? Honey. No, no, most sweetest sugar. Honey तो sugar नहीं है, honey तो substance है, food है. Which is the most sweetest sugar? अरे यहाँ लिखा है ना भाई? It's fructose. Fructose है ना? Fructose है sweetest. मैं अभी carbohydrate की बात कर रहा हूँ. मीन्स कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दैट्स कॉल्ड एज शुगर्स. तो यहाँ में फ्रुक्टोज सबसे मीठा शुगर होता है, और ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज कहते हैं, और ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर कहते हैं, वो या ब्लड शुगर कहते हैं. और फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं बिकॉज फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है. और लिवुलोज भी कहते हैं, और डेक्सट्रोज इससे है. क्यों इसको डेक्सट्रोज कहते हैं, क्यों इसको लिवुलोज कहते हैं, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा. एंड दिस वॉज All about the linear structure of monosaccharides. और जहां पे आप लोगों ने देखा कि ग्लूकोज में linear structure में 6 कार्बन एटम होता है. अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स, बताया था मैंने आपको. अब देख लो बच्चों, अगर यहाँ में आप देखोगे तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट में, और प्लस बहुत सारे ओएच, तो कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड. अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, कीटोनिक ग्रुप है और बहुत सारे ओएच है, तो मतलब पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन. तो पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड उसको कहते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट. सो ये लीनियर स्ट्रक्चर था, और लीनियर स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग देखेंगे इसका एक रिंग स्ट्रक्चर हमें सीखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. और इसके ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना हेवर्थ फॉर्मूला.
रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स और या इसको हेवर्थ फॉर्मूला करना। तो इसमें आप लोग लिख लेना व्हेन मोनोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर they form a ring that resembles with six membered pyran or five membered और फाइव मेंबर्ड इसका बढ़ा दो जरा बच्चों। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था क्या वो लीनियर स्ट्रक्चर था या रिंग स्ट्रक्चर था? लीनियर स्ट्रक्चर। लेकिन अब हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखना है? रिंग स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो अब ये रिंग स्ट्रक्चर जो है इन मोनोसैकेराइड का तभी बनता है जब हम लोग मोनोसैकेराइड को डिसॉल्व करेंगे पानी में। तो अब वो रिंग स्ट्रक्चर जो मोनोसैकेराइड का होता है वो या तो मिलता है पायरन से और या तो वो मिलता है फ्यूरेन से। तो अब आप लोगों को देखना पड़ेगा पायरन कैसा होता है और फ्यूरेन कैसा होता है। आई होप यू विल बी डन विद दिस। तो अब देखो बच्चों, यहां मैं ये सिक्स मेंबर स्ट्रक्चर जो है ये वाला और इसको हम लोग कहते हैं पायरन। और जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा और इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरेन। और यहां में डबल बॉन्ड होता है और यहां में डबल बॉन्ड होता है। तो बच्चों इधर में डबल बॉन्ड होता है और इधर में डबल बॉन्ड होगा और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको पायरन कहते हैं और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरेन। अब देख लो कितने मेंबर्स आपको लग रहे हैं इसमें? छह, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर्स लग रहे हैं। तो अब अगर इसमें सिक्स मेंबर्स हैं तो कहेंगे पायरन जो है वो सिक्स मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। अब देखो बच्चों इसमें कितने मेंबर्स लग रहे हैं आपको? वन टू थ्री फोर एंड फाइव मेंबर्स। तो ये इसी के जैसा स्ट्रक्चर होगा मोनोसैकेराइड का। यस अपना माइक्रोफोन बंद रख लो आप। थमीदा बेगम तो अब देखो बच्चों यहां में हम लोग सीखेंगे पहले कि कैसा स्ट्रक्चर होता है मोनोसैकेराइड का रिंग का और ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का कैसा रिंग बनता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्स मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्स मेंबर्ड रिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स is called as pyranose or jo five member ring hai the five member ring of monosaccharides is called as furanose। आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ। तो अब हम लोग एग्जैक्टली पायरन नहीं कहेंगे और जब मोनोसैकेराइड में देखेंगे पायरनोस और अगर ऐसा बनेगा तो कहेंगे फ्यूरानोस।
तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आप एक सब हेडिंग कर लेना, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब हमें रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखना है और इसमें आप लोग लिख लेना सिक्स मेंबर्ड या पाइरानोस रिंग ऑफ ग्लूकोज इज मोर स्टेबल। Then its five-membered furanose ring. Six-membered pyranose ring of glucose is more stable than its five-membered furanose ring. Are you done with this? No, sir. अभी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, तो सिखाना आप लोगों को केमिस्ट्री में काम आएगा, क्योंकि जो आप लोगों को इलाबरेट करके ये बायोमोलिक्यूल पढ़ना है ये केमिस्ट्री में पढ़ना है स्ट्रक्चरली, और एप्लीकेशन आपको बॉटनी में आएगा, और जूलॉजी में क्या क्या पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया है मैं आपको बताते रहूंगा। फिलहाल मैंने किसी पॉइंट में कहीं पे फिलहाल एनसीईआरटी नहीं लिखा, और लेकिन ये आपको चाहिए केमिस्ट्री में और यह आपको चाहिए बॉटनी में। तो क्योंकि बायोमोलिक्यूल तीन जगह पे आएगा, आप लोगों को मैंने बताया था, बॉटनी में भी, केमिस्ट्री में भी और जूलॉजी में भी। आर यू डन विद दिस नाउ? यस सर। हाँ, तो अब देखो मैं आपको रिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखूंगा, लेकिन फाइनली आप लोगों को याद रखना है। तो मैं यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा लीनियर वाला। तो बच्चों लीनियर वाले ग्लूकोज में आप लोगों को पता है कि यहाँ में CHO होता है, और वो CHO हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जाके मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ में OH होता है और यहाँ में कहा था H होता है। एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू दैट हियर इट इज OH एंड इट इज हियर H, एंड देन आई टोल्ड यू इट इज OH हियर एंड इट इज H हियर, एंड देन नेक्स्ट वन इट इज OH एंड इट इज H, and then I told you here it is CH2OH and it's OH. अब देखो बच्चों, जब हम लोग इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज है इधर, और जब हम इसको पानी में डालेंगे ना, तो पानी में ये कार्बन जो है फिफ्थ, और इसका अटैक होता है इस कार्बन एटम फर्स्ट पे, और ये OH इस पे अटैक करेगा। और जब ये OH इस पे अटैक करेगा, और कार्बन एटम फाइव का OH अटैक करता है कार्बन एटम फर्स्ट पे, रिमेम्बर दिस। और इसके बाद क्या होगा वो चेंजेस मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। और जहां पे कार्बन सी डबल बॉन्ड O होता है बच्चों, उस कार्बन को कहते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम। जहां में भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कार्बन एटम। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आएगा, दैट चेंजेस वी विल फाइंड। चेंजेस कुछ इस तरह आएगा, ये अगर कार्बन फर्स्ट है और ये इसका कार्बन सेकेंड है और कार्बन थर्ड है और कार्बन फोर्थ है और कार्बन फिफ्थ है और ये अगर कार्बन सिक्स्थ है। कार्बन फर्स्ट और कार्बन फिफ्थ के बगैर और किसी में चेंज नहीं आएगा। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सबके ग्रुप्स जो अटैच है, मैं रिपीट करता हूँ, कार्बन वन और कार्बन फाइव के बगैर जितने भी कार्बन है उनमें कहीं पे चेंज नहीं आएगा। तो खाली चेंज आना है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं? कार्बन एटम वन और कार्बन एटम फाइव। अब देखो बच्चो, ये कार्बन एटम वन जो है, कार्बन एटम फाइव जो है, कार्बन एटम फाइव का
अब एच आएगा और वो जाएगा कार्बन एटम फर्स्ट के पास। देखो यहाँ में एच है और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा और ये कार्बन एटम फिफ्थ है इधर एंड दिस इज द कार्बन एटम वन। अब देखो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है, सी सिंगल बॉन्ड ओ एच है और इसका एच निकल जाएगा ये वाला एच और ये एच जाएगा इस ओ के पास, ये जो कार्बन एटम फर्स्ट में है। तो कार्बन एटम फर्स्ट पे जो ये डबल बॉन्ड ओ है ये टूट जाएगा डबल बॉन्ड और इसके पास ओ एच आएगा और ये वाला इसका ओ एच। और बच्चों जो ये ओ है और ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ और प्लस इस कार्बन पे अपना एच उधर ही रहेगा। मैं रिपीट करूंगा, जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो इसका एच जाएगा इस डबल बॉन्ड ओ के पास, इसका एच और ये डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा ओ एच। और बच्चों ये ओ जो रहा खाली इधर और ये ओ अटैच हो जाएगा उसी सी के साथ और जिसपे डबल बॉन्ड ओ बना ओ एच। अब आप लोगों को समझ आया ये? और मैं इस ग्लूकोज का नाम अभी इसको ग्लूकोज ही नाम दूंगा। हफीजा आपका कोई डाउट है? हाँ, तो अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है इस कार्बन एटम का नाम हम अब देते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। अब बच्चों ग्लूकोज का रिंग क्या पाइरानोस होता है या ग्लूकोज का रिंग ज्यादातर फ्यूरानोस होता है? तो कौन सा रिंग ग्लूकोज का स्टेबल है, पाइरानोस रिंग या फ्यूरानोस रिंग? पाइरानोस। वेरी गुड, पाइरानोस। पाइरानोस सिक्स मेंबर्ड होता है या पाइरानोस फाइव मेंबर्ड होता है? आप लोगों के पास सब कुछ लिखा हुआ है, बस ये बता दो आप, क्या सिक्स मेंबर्ड होता है या फाइव मेंबर्ड होता है? सिक्स ही होता है ना पाइरानोस। और जरा फ्यूरानोस कितने मेंबर होते हैं? फाइव मेंबर। तो अब five. देखो ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था फ्यूरानोस, ये वाला रिंग, ये वाला पाइरान था और जो ग्लूकोज का पाइरान रिंग होगा उसको पाइरानोस कहते हैं और अगर कार्बोहाइड्रेट का फ्यूरेन बनेगा उसको फ्यूरानेस कहता है। और जो ग्लूकोज का ज्यादातर स्टेबल होता है वो सिक्स मेंबर्ड पाइरानोस होता है एज कम्पेयर टू फाइव मेंबर्ड। तो अब मैंने ग्लूकोज का ये पाइरान जैसा रिंग बनाया, ये पाइरान है इधर और इसी पाइरान के जैसा रिंग बनाया। जरा बच्चों अब बता दो मुझे, जो ये ओ है इधर, इस ओ ने ग्लूकोज का कौन कौन सा कार्बन एटम लिंक किया है, ये आप देख के बता सकते हैं, कोई नॉलेज नहीं है? One and five. Very good, one and five. जरा देख लो बच्चों, ये ऑक्सीजन है इधर, अगर मैं कहूंगा ये वन है और ये मैं कहूंगा ये फाइव है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इस वन को इस फाइव के साथ जोड़ा है तो मैं कहूंगा ये वन है, ये फाइव है और ये ऑक्सीजन है। अब देख लो बच्चों, इस वन पे आपको मिलेगा ओ एच और एच, तो मैं क्या करूंगा इस H को ऊपर लिखूंगा और इस OH को नीचे लिखूंगा और इस वन पे अटैच है टू, तो बच्चों इसका मतलब है ये वाला टू होगा और ये टू अटैच है थ्री, इसका मतलब ये थ्री है और ये थ्री अटैच है फोर के साथ, इसका मतलब फोर है और ये फोर अटैच है फाइव और वो फाइव अटैच है सिक्स के साथ और प्लस वो फाइव अटैच है H के साथ। ये फाइव है एच के साथ और सिक्स के साथ अटैच है, तो मैं क्या करूंगा इधर, मैं ऐसे ऊपर लिखूंगा, ये थोड़ा सा टफ है बट आप लोग समझते रहना, डाउट आ जाए तो मैं दोबारा बता दूंगा, बट आप लोगों को ये फाइनल वाला स्ट्रक्चर याद रखना है बिकॉज ये एनसीईआरटी में है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ये वाला सिक्स कार्बन एटम, तो इसका कॉन्फिगरेशन फिक्स हो गया। आप ओ ने वन और फाइव को लिंक किया था, वन किसके साथ अटैच था, सेकंड के साथ, सेकंड किसके साथ अटैच है थर्ड के साथ, थर्ड किसके साथ अटैच है फोर्थ के साथ, फोर्थ किसके अटैच है फाइव के साथ और फाइव किसके साथ अटैच है एच के साथ, सी सिक्स एच टू ओ के साथ, सिक्स के साथ। अब देखो बच्चों सेकंड पे आएंगे हम, तो सेकंड पे देख लो क्या क्या अटैच है,
एच, और क्या अटैच है, ओ एच। थर्ड पे आएंगे, क्या अटैच है, ओ एच और एच, और ये ओ एच अंदर रहेगा और ये एच बाहर आएगा। फोर पे क्या अटैच है, ओ एच कट, और बचो ये एच इधर रहेगा और ये ओ एच इधर रहेगा। अब ये ग्लूकोज जहां में ये सिक्स्थ और ये ओ एच आपस में ऑपोजिट रहेंगे, ऐसे डायगोनली रहेंगे, तो बच्चों उस ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोपाइरनोज। वो है मोनाज, मुझे असल में अल्फा ग्लूकोपाइरनोज, और इसमें यहाँ पे लिख लेना अल्फा ग्लूकोज। अब आप लोगों को याद रखना है कि जब भी OH होगा नीचे वाले साइड, और नीचे साइड होने के साथ साथ ये ऑपोजिट होगा इस सिक्स के, तो उसको अल्फा ग्लूकोज कहते हैं। और अगर ये OH ऊपर होगा और जिस तरफ ये CH2OH है, तो उसको कहते हैं बीटा ग्लूकोज। तो अगर हम लोग बीटा ग्लूकोज को बनाए तो वो बीटा ग्लूकोज ऐसे होगा। मैं दोबारा से रिंग बनाऊंगा, और ये रिंग है इधर, और ये मैं इसके सिक्स मेंबर रिंग बनाऊंगा, और ये ऑक्सीजन है, और बच्चों ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ में इसके ग्रुप्स होंगे, और अब मैं इस OH को ऊपर लिखूंगा और इसको मैं H को नीचे लिखूंगा। तो बच्चों ये वाला जो है बाकी सब सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, हर जगह में आपको सेम ग्रुप डालना है। यहाँ में OH, और यहाँ में H, और यहाँ में OH, और यहाँ में H, और यहाँ में OH, और यहाँ में H, और यहाँ में H, और यहाँ में CH2OH। तो अगर ये OH ऊपर होगा, जैसे मैंने उसमें बनाया था नीचे, और ये ऊपर होने की वजह से इस ग्लूकोज का नाम है बीटा ग्लूकोज, और यह पूरा नाम कहेंगे बीटा ग्लूकोपाइरनोज। और यह नाम शॉर्टली देते हैं बीटा ग्लूकोज। और हियर यू विल राइट बीटा ग्लूकोज। जब भी ये दोनों सेम साइड होंगे बीटा, और अगर ये दोनों ऑपोजिट होंगे उसको हम अल्फा कहेंगे। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? बच्चों ये समझ आया या नहीं? क्या किसी को डाउट रहा इसमें? अब क्या कहते हैं हम लोग ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को? पाइरेनोस, क्योंकि सिक्स मेंबर्ड होता है। और अब जब भी ये दोनों ऑपोजिट रहेंगे और OH नीचे होगा, अगर OH ऊपर भी होगा CH2OH नीचे होगा, तब भी उसको कहेंगे हम लोग अल्फा। तो बच्चों अगर ये OH नीचे होगा और ये CH2OH नीचे होगा, तब भी हम उसको कहेंगे बीटा। एंड दे शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, दे शुड बी डायगोनली ऑपोजिट। तो डायगोनली ऑपोजिट ये ऐसे भी हो सकता है, अगर हम OH को ऊपर ले आए, अगर मैं इस OH को ऊपर कर दूं ऐसे, इसकी जगह पे लाऊं, और बच्चों इस CH2OH को नीचे लाऊं, तो ये तब भी अल्फा ही बनेगा, बिकॉज OH ऊपर होगा CH2 नीचे होगा, डायगोनली ऑपोजिट रहेंगे। अगर मैं इस CH2OH को इसकी जगह लाऊं और इसको इसकी जगह लाऊं, तो ये दोनों सेम साइड हो जाएंगे, तो तब भी जाके उसको बीटा ही कहेंगे। तो बीटा मतलब OH और CH2OH सेम साइड, और अल्फा मतलब CH2OH और OH डायगोनली ऑपोजिट होना चाहिए। एंड दिस इज द, अब देख लो यहाँ मैं आप लोगों को हल्का सा इसका बता दूंगा, काइरल कार्बन एटम का। काइरल कार्बन एटम आप लोगों ने देखा था इसमें यहाँ पे होगा, और बच्चों काइरल कार्बन एटम ये वाला भी था, काइरल कार्बन एटम ये वाला भी था, काइरल कार्बन एटम, लेकिन आप देखो रिंग स्ट्रक्चर में ये भी काइरल बन गया ये वाला,
ये भी कायरल बना और ये भी कायरल था ही, ये भी कायरल था ही और ये भी कायरल था ही। अब देखो रिंग स्ट्रक्चर में एक नया कायरल कार्बन एटम आया। यहाँ में अभी तीन ही ग्रुप था, एक दो तीन। किसी बच्चे का डाउट है? व्हाट इज, मैं ये समझ नहीं पाया व्हाट इज क्यूरियल एटम। ये समझ नहीं पाया मैं आपका। चलो मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहां से हम लोगों का ये ग्लूकोज है और बच्चों ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर था ये। लेकिन ग्लूकोज को जब हम लोग पानी में डालते हैं और पानी में डाल के जब ग्लूकोज को डालेंगे वो रिंग बनता है, और वो रिंग जो ग्लूकोज का बनता है और वो मिलता है सिक्स मेंबर्ड, और वो सिक्स मेंबर्ड रिंग को हम लोग कहते हैं व्हाट द पाइरानोस रिंग। और अगर फाइव मेंबर्ड आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाट द प्यूरानोस रिंग। तो जब जब भी ये कार्बन एटम जो होगा इधर में और ये कार्बन एटम फिफ्थ जो है ग्लूकोज में अटैक करता है फर्स्ट के पास, और जब ये फर्स्ट पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ओ बनेगा ओ नेगेटिव, और जब ये एच रिलीज हो जाएगा इधर से ये होगा एच पॉजिटिव। तो ये एच पॉजिटिव अब जाएगा इस ओ नेगेटिव के साथ बनाएगा बॉन्ड ओ एच, और अब जो ये ओ नेगेटिव है ये इस सी प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहते हैं। और अब ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया अब किसमें, द रिंग स्ट्रक्चर में। और ग्लूकोज में इधर में लीनियर में चार ही कायरल कार्बन एटम था, ये था ये था ये था, ये वाला कायरल नहीं था। अब देखो रिंग में अब इस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप है और ये वाला नीचे पूरा डिफरेंट है और ओ भी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल बन गया। तो अब रिंग में पांच कायरल कार्बन एटम होता है, चार नहीं होता है। और वो नया कायरल कार्बन एटम जो रिंग में बनता है और उसी को हम एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। अब जो ये ग्लूकोज का सिक्स मेंबर्ड रिंग जो है ये मिलता है इस पायरेन से, तो बच्चों जब ये पायरेन से मिलेगा तो यहाँ में अब हम इसी को पायरेन जैसा बनाएंगे। तो यहाँ देखा कि ऑक्सीजन ने फर्स्ट और फाइव को लिंक किया है, तो इसको फर्स्ट दिया इसको फाइव दिया। तो अब हमने इन सब कार्बन एटम पे कौन कौन सा ग्रुप है वो डाल दिया। तो OH था H था OH H है, और ये सेकंड के साथ है, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर के साथ, फोर फिफ्थ के साथ, फिफ्थ सिक्स के साथ। तो सेकंड पे क्या था OH एंड H, इस पे थर्ड पे क्या है OH एंड H, फोर्थ पे क्या है OH एंड H, फिफ्थ पे क्या है H है CH2OH है, और फिफ्थ पे H और CH2OH। और अब आप लोगों में इसमें से जो स्ट्रक्चर मेमोराइज करना है तो बच्चों वो ये वाला है, और बिकॉज ये वाला एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग दोनों को एनोमर्स कहते हैं, और जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखा दूंगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो दिस इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। थोड़ा सा टफ है बट प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। फिलहाल मेरा काम था यहाँ समझाना, आप लोग अगर समझ गए तो घर पे थोड़ा पांच छह बार प्रैक्टिस करना, अपने आप ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता कि नहीं आएगा। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में रिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। और बच्चों रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज में यहाँ पे लिख लेना है आपको फाइव मेंबर्ड। हमें रिंग स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं था क्योंकि एनसीईआरटी ने मोनोसैकेराइड में खाली ग्लूकोज का रिंग बनाया है। तो बच्चों जब आप लोग जाएंगे एनसीईआरटी में, वहां आप पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, स्टार्च पढ़ेंगे, तो वहां में रिंग बनाया है। तो इसीलिए हमें रिंग देखना है कि रिंग कैसा होता है। तो फाइव मेंबर्ड रिंग, फाइव मेंबर्ड फ्यूरानोस रिंग ऑफ फ्रुक्टोज is more stable than its six membered furanose ring.
सोचो आप, यहां में अगर हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाए, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, हेक्सो शुगर था लेकिन कीटो हेक्सो शुगर था, और ये होगा यहां में CH2OH, इस बच्चे का जरा ये डाउट था, ये रिपीट तो कर दिया मैंने, अब ये क्या इसने लिखा है इधर, ये थोड़ा रिपीट करें मुझे, और CH2OH होगा, और बच्चों इधर में भी फ्रुक्टोज में CH2OH होता है, और इधर में फ्रुक्टोज में C डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ में OH होगा, और यहाँ में H होगा, और यहाँ में OH होगा, यहाँ में OH होगा, और यहाँ में H होगा, और ये अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये फ्रुक्टोज था, तो वैसे ही तरीका है जैसे मैंने आपको समझाया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा एटम्स का डिफरेंस होगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। तो बच्चों फ्रुक्टोज के केस में जो फिफ्थ वाला पोच होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है सेकंड पे, बस ये डिफरेंस है, और बाकी तरीका सेम है। तो अगर आपको वो समझ आया होगा तो ये भी आपको आराम से समझ आएगा। तो मैं क्या कर लूंगा, इधर में CH2OH, और इस कार्बन एटम को मैं यहाँ पे नाम क्या दूंगा, कार्बोनिल कार्बन एटम, और यहां में हम लोग इसका नाम देंगे C डबल बॉन्ड, मैं हटा दूंगा फिलहाल इसको C डबल बॉन्ड को, मैं अभी बता दूंगा ये किस में चेंज होगा, और ये H होगा, और ये OH होगा, और ये OH होगा, और ये H होगा, और ये OH होगा, और ये H होगा, और फिफ्थ वाला हम लोग फिलहाल नहीं लिखेंगे क्योंकि फिफ्थ वाले का अटैक होगा सेकंड पे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH2OH, और इसका फिलहाल नाम ही देंगे हम फ्रुक्टोज रिंग ही है ये। जरा बच्चों बता दो मुझे, अब ये फिफ्थ वाले का ओ जो है ये किसके साथ अटैच होगा, फिफ्थ वाले का ओ, ये फिफ्थ वाले का ओ जो है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, सी में सर, सेकंड के साथ। और जरा बता दो इस सेकंड में ये डबल बॉन्ड ओ जो है अब क्या बन जाएगा, OH, सेम ही है वो जैसे मैंने आपको इधर बताया था, ये H निकलेगा O पे जाएगा बनेगा OH, और ये ओ इसके साथ अटैच करेगा वन के साथ। तो यहाँ पे लेकिन डिफरेंट है, यहाँ में ये ओ अटैक करेगा सी पे सेकंड पे, और जो ये एच है ये जाएगा इस डबल बॉन्ड ओ के पास और बन जाएगा ओ एच। तो बस यही डिफरेंस। तो अब देखो इधर में ये वाला वन था, ये वाला सेकंड था, और ये वाला थर्ड था, ये वाला फोर, और ये वाला फाइव, और ये वाला सिक्स, और इस फाइव के ऊपर यहाँ में एच भी अटैच था, तो यहाँ में हमें एच अटैच करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों इस ग्लूकोज में, इस फ्रुक्टोज में अगर आप लोग नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम देखेंगे, और ये वाला कायरल नहीं था, ये वाला कायरल नहीं था, ये वाला कायरल है, और ये वाला कायरल है, और ये वाला कायरल है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये सेकंड भी अब कायरल बन गया, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, और ये वाला डिफरेंट, तो दिस इज नाउ कायरल, एंड दिस इज नाउ कायरल, एंड दिस इज नाउ कायरल, एंड दिस इज नाउ कायरल। तो अब जो ये नया कायरल कार्बन एटम बना, और इसको हम लोग कहेंगे एनोमेरिक कार्बन एटम। बच्चों अब ये फ्रुक्टोज का रिंग कैसा होगा, फाइव मेंबर्ड होगा या सिक्स मेंबर्ड होगा,
वेरी गुड, फाइव मेंबर्ड होगा। तो अब देखो यहाँ मैं वो फाइव मेंबर दो बनाऊंगा, या तो अल्फा होगा या तो वो क्या होगा, या तो वो बीटा होगा। तो अब फाइव मेंबर आप लोगों को पता है कि वो फिर किसके जैसा था, फाइव मेंबर फ्यूरेन के जैसा, और वो फ्यूरेन जो है वो ऐसे बताया था। अब बच्चों बता दो मुझे, इस ओ ने किस किस कार्बन एटम को लिंक किया है, इस ओ ने किस किस कार्बन एटम को लिंक किया है? 2, 3, 4, 5 ना इधर इधर किसको लिंक किया है? 2 and 5 सर, 2 और 5 के साथ। तो मैं क्या कहूंगा, व्हाट इज दिस हियर 2 एंड व्हाट इज दिस हियर 5। तो अब देखो यहाँ में 2 पे क्या अटैच है, OH एंड CH2H। तो अगर मैं OH नीचे लिखूंगा और इस CH2H को ऊपर लिखूंगा तो ये हो गया अल्फा फ्रक्टोज। अब देखो फिर सेकंड पे क्या आया, OH, तो इस OH को मैं अंदर लिखूंगा, ये थर्ड पे OH और ये H, फिर फोर्थ पे क्या आएगा OH H, और फिफ्थ पे जरा बता दो क्या है, फिफ्थ पे क्या है एच और क्या है CH2H। तो फिफ्थ में एच ऊपर और CH2H ऊपर लिखूंगा। तो अब आप लोगों को क्या पता चला कि ये फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, और ये वाला क्या है थर्ड है, और ये वाला फोर्थ है, ये वाला फिफ्थ है, और ये वाला सिक्स्थ है। तो ये बन गया, अगर OH और ये CH2OH डायगोनली ओपोजिट है तो इसको हम लोग अल्फा फ्रक्टोज कहेंगे, और या अल्फा फ्रक्टोफेरानोस। और या ब्रैकेट में लिखना अल्फा फ्रक्टोज। जरा बच्चों बीटा फ्रक्टोज आप खुद बना लो जल्दी से, अब आप लोगों ने सीखा है। तो बीटा फ्रक्टोज में कहां में आप कॉन्फिगरेशन चेंज करेंगे, where you will change the configuration for beta fructose? HOH sir. हाँ मेरे को यहाँ पे OH क्या जाएगा ऊपर और CH2OH क्या आएगा नीचे, नीचे में। तो जब OH ऊपर जाएगा CH2 नीचे आएगा तो वो होगा beta fructose। अब बना लो beta fructose का structure। आप लोग खुद बना लेना, मैं यहाँ पे बना लूंगा, लेकिन आप लोग अगर गलती करेंगे तो उसमें आप फिर कंपेयर कर लेना, लेकिन खुद बनाने का कोशिश कर लेना। वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है और सिक्स। एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोफेरानोस। और बच्चों ब्रैकेट में यहां में बीटा फ्रक्टोज लिख लेना। और ये टॉपिक आप लोग स्किप कर सकते हैं, और आप लोग इसके ब्रैकेट में लिख लेना है कैन बी स्किप्ड, क्योंकि आप लोगों को भी ज्यादा लोड भी नहीं पड़ना चाहिए। तो लेकिन मुझे सिखाना था तो केमिस्ट्री में आपको ये काम आएगा, लेकिन जूलॉजी में इसका ज्यादा काम नहीं है। जूलॉजी में खाली आपको ये याद रखना है एनसीईआरटी अल्फा ग्लूकोपाइरानोज अल्फा ग्लूकोज, और ये इसका जरूरत ही नहीं है, खाली ये डायरेक्टली आप लोगों को मेमोराइज करना है। और इसमें कोई स्ट्रक्चर मेम करना है क्योंकि सुक्रोज के लिए हमें ये चाहिए, तो ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। सो दिस वाज रिगार्डिंग द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो अब आप लोग बच्चों एक क्वेश्चन लिख लेना,
यू कुड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ the structure of alpha ribose and beta deoxyribose. Draw the structure of alpha ribose and beta deoxyribose. देखो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बनाऊंगा अब इधर में, और लेकिन आप लोगों को याद रखना है क्योंकि हमें आरएनए डीएनए में चाहिए ये। देखो बच्चों, क्या राइबोस और डीऑक्सीराइबोस एल्डो शुगर्स हैं या कीटो शुगर्स हैं? मैं आपको अब वर्बली सिखाऊंगा जो हमने अभी देखा था बोर्ड पे। अब आप लोग अपना दिमाग अलर्ट रख लो, और ताकि जाके आप मेरा वर्बल कम्युनिकेशन को समझ पाओ। मेरा वर्बल कम्युनिकेशन विल बी होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन दिस। My verbal communication will be depend on this. अब आप लोगों को अगर पुराना वाला याद रहा है तब आप लोगों को समझ आएगा। अब बताओ मुझे, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस क्या एल्डो शुगर्स हैं या कीटो शुगर्स हैं? बच्चों, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस क्या एल्डो शुगर्स हैं या कीटो शुगर्स हैं? वेरी गुड, एल्डो शुगर्स हैं। एल्डो शुगर में क्या कार्बन एटम फर्स्ट पे अटैक होता है या एल्डो शुगर में कार्बन एटम सेकंड पे अटैक होता है? सेकंड पे नहीं होगा, ये तो फ्रुक्टोज कीटोस है ना, कीटोस में सेकंड कार्बन एटम पे अटैक होता है। तो बच्चों, लेकिन एल्डोस में कहां में अटैक होता है? फर्स्ट कार्बन एटम पे। मैं आपको वर्बली समझा दूंगा, हमें और ड्रा करने का जरूरत नहीं है। अगर आप अलर्ट रहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन आप मेरा समझ पाएंगे। और जिस बच्चे को ये समझ ही नहीं आया, मैं वो मेरा वर्बल कम्युनिकेशन समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ले जाऊंगा राइबोस पे। तो बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये मैंने आपको राइबोस बताया था, ये मैंने आपको डीऑक्सीराइबोस बताया था। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये राइबोस जो है कार्बन एटम फोर अटैक करेगा कार्बन एटम फर्स्ट पे, जरा बता दो क्या होगा? रिंग फाइव मेंबर रिंग होगा या सिक्स मेंबर रिंग होगा? अगर कार्बन एटम फोर अटैक करेगा कार्बन एटम फर्स्ट पे, फाइव मेंबर रिंग होगा या सिक्स मेंबर रिंग होगा? बड़ा इजी है, वेरी गुड, फाइव मेंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन एटम फाइव ने अटैक किया था कार्बन एटम वन पे, फिर ये कार्बन एटम वन एक मेंबर, कार्बन एटम सेकंड दूसरा मेंबर, कार्बन एटम थर्ड तीसरा मेंबर, कार्बन एटम फोर चौथा मेंबर, कार्बन एटम फाइव फर्स्ट मेंबर फिफ्थ मेंबर, और ये ऑक्सीजन सिक्स मेंबर, ऐसा बना था। अब इधर भी आप देख लो, यहां में जो ये मेंबर होगा कार्बन एटम फोर, एक मेंबर, दो मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, और ऑक्सीजन पांचवा मेंबर रहेगा। और इसमें भी ये कार्बन एटम फोर जो है वो अटैक करता फर्स्ट के पास, तो एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, और ऑक्सीजन जो होगा वो पांचवा मेंबर होगा। तो अब हम लोग, मैं आपको डायरेक्टली इनका रिंग दिखाऊंगा क्योंकि हमें डीएनए आरएनए में चाहिए चाहिए, डीएनए आरएनए उसके बगैर है नहीं कम्प्लीट जब तक ना आप ये सीखो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बना लूंगा फ्यूरानोस रिंग, और फ्यूरानोस रिंग का मैं अब एटम्स को अरेंज कर लूंगा, और ये है फ्यूरानोस रिंग, तो बच्चों अब फ्यूरानोस रिंग में ये वाला जो ऑक्सीजन जो है कार्बन एटम फर्स्ट को अटैच करेगा कार्बन एटम फोर के साथ, और कार्बन एटम फर्स्ट जो है वो अटैच करेगा फोर के साथ। तो अब इस कार्बन एटम फर्स्ट पे या तो OH ऊपर रहेगा, और या तो OH नीचे रहेगा, और या तो मैं एक में ऊपर बनाऊंगा और एक में नीचे। अब बता दो, अगर मैं नीचे बनाऊंगा क्या अल्फा होगा या बीटा होगा? अल्फा होगा सर, अल्फा होगा। हाँ, तो मैं अब यहाँ पे कहूंगा कि ये H है
और ये OH है, और ये H है, ये OH है, और बच्चों ये वाला यहाँ में H होगा और ये वाला यहाँ में CH2OH होगा और ये CH2OH फिफ्थ होगा। अब यहाँ मैं भी अटैच करूंगा फिफ्थ कार्बन एटम और वो होगा CH2OH और यहाँ में H। जरा क्या बताया था राइबोस और डिऑक्सीराइबोस में डिफरेंस कहाँ में होता है, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था, बस आपको रिकॉल करना है किसके बीच में डिफरेंस था राइबोस और डिऑक्सीराइबोस के बीच में। बच्चों कहाँ में डिफरेंस था राइबोस और डिऑक्सीराइबोस के बीच में, अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले बताया था कहाँ, कौन से कार्बन एटम किस पे, सेकेंड पे, कार्बन एटम सेकेंड पे। जरा राइबोस में सेकेंड पे क्या होता है, एच एन ओ एच, और बच्चों डिऑक्सीराइबोस में क्या होता है सेकेंड पे, एच एच, एच एन एच। अब बता दो मुझे अगर मैं इस रिंग में, अगर मैं इस रिंग में एच एन ओ एच लिखू सेकेंड पे, क्या ये राइबोस है या डिऑक्सीराइबोस है, राइबोस। तो बच्चों अगर मैं इधर में H और H लिखूं सेकेंड पे और यहाँ में एच एन ओ एच आएगा, तो अब हमें पता है कि अगर सेकेंड पे एच एन एच होता है और वो होगा डिऑक्सीराइबोस, तो ये यहाँ पे थर्ड होगा और ये यहाँ पे सेकेंड होगा, तो यहाँ में एच एन एच है और प्लस ओ एच ऊपर है तो होगा बीटा, और यहाँ में एच एन ओ एच है और प्लस एच एन ओ एच है इधर और ओ एच नीचे है, तो ये होगा अल्फा राइबोस। तो इसीलिए हमें अल्फा राइबोस का बनाना था और बीटा डिऑक्सीराइबोस का बनाना था, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये हमें चाहिए न्यूक्लिक एसिड में जब हम लोग डीएनए आरएनए पढ़ लेंगे। नाउ विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, राइबोस या डिऑक्सीराइबोस, डिऑक्सीराइबोस। वेरी गुड, एंड विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, राइबोस। ये आप लोगों ने लिखा हुआ है, हाँ बस अभी आप लोगों को घर पे याद रखना है, पढ़ना है ताकि जाके याद रहे। यहाँ पे लिखा था राइबोस इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड डिऑक्सीराइबोस इज प्रेजेंट इन डीएनए, और यहाँ दिखाया था सेकंड पे डिफरेंस होता है, और फिर लिखाया भी था राइबोस एंड डिऑक्सीराइबोस डिफर्स एट कार्बन एटम सेकंड। एंड नाउ ये है रिगार्डिंग इसके बारे में, रिंग स्ट्रक्चर के बारे में, और ये था लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों अब लीनियर ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन एटम होता है, लीनियर ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन एटम होता है, सिक्स, ना अरे लीनियर 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 में फोर, गुड है। और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कितने कार्बन का एटम होता है, पांच, एक दो तीन चार पांच, और लेकिन यहाँ में चार ही था, एक दो तीन चार, क्योंकि ये वाला नहीं होता है। अब ये वाला भी बन गया इसमें कार्बन, क्योंकि चार ग्रुप आ गए, एक दो ऑक्सीजन तीसरा और ये वाला चौथा, लेकिन यहाँ में कितने ग्रुप थे अटैच, तीन ही, एक ये और एक ये नीचे वाला, तो तीन ही ग्रुप अटैच होने के कारण ये कार्बन नहीं था, लेकिन अब इसमें चार ग्रुप अटैच हो गए तो इसलिए कार्बन बन गया। आई होप देयर विल बी नो डाउट। नाउ अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पे, हमें नेक्स्ट सीरीज क्या सीखना है, और इज दिस क्लियर, यस सर। हाँ तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में नेक्स्ट वाला कहानी, और वो लिखेंगे हम कि आइसोमेरिज्म, ये पहले मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड निकला, मॉडिफाइड या कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स, और मॉडिफाइड या कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स होगा, और कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड्स जो हैं, अब ये सिंपल मोनोसैकेराइड जो मैंने अभी तक बताया आप लोगों को उनकी मॉडिफिकेशन से बनता है। देखो दीज मोनोसैकेराइड्स आर
दीज मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ the modification of simple sugars. और ये following type के होते हैं. आज आप लोगों का घर पे क्या काम है कि आप लोग हर कोई स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहां तक बताया अभी तक ये आप घर पे तीन तीन बार रफ कॉपी पे बनाएंगे और पहली बार देख के बना लेना, दूसरी बार खुद कोशिश कर लेना और अगर नहीं हो रहा है तो कॉपी देख लेना और फिर बना लेना और फिर जब तीसरा अटेम्प्ट होगा तो तीसरे अटेम्प्ट में आपको बिल्कुल बिना कॉपी देखे बनाना है और धीरे 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 आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे और ये सारा स्ट्रक्चर जो है याद हो जाएगा. तो अब हमें अगर सिंपल मोनोसैकेराइड में मॉडिफिकेशन करेंगे और हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड, तो बच्चों देखना है हमें वो कॉम्प्लेक्स मोनोसैकेराइड अब क्या होता है, किस तरह का होता है. और पहला आप लोग हेडिंग कर लेना ये हमें शुगर एल्कोहल्स. और शुगर एल्कोहल्स में याद रखना दे आर फॉर्म्ड by the reduction of simple sugars और ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. दो जूलॉजी में नाम खाली याद रखना है लेकिन मैकेनिज्म और रिएक्शन आप लोगों को केमिस्ट्री में याद रखना है. जब भी आपको केमिस्ट्री टीचर पढ़ाएंगे बायो मॉलिक्यूल तो वो आपको रिएक्शन वाला चीज ज्यादा बताएंगे. सो अब हमें देखना है इसमें कैसे बनेंगे ये. रिडक्शन तो पता चला आप लोगों को, अब हमें थोड़ा एग्जांपल देखना है. तो मैं क्या करूंगा, एक साइड में लिखूंगा मैं सिंपल शुगर और बच्चों दूसरा साइड में मैं लिखूंगा शुगर एल्कोहल. और इस मैं नाम दूंगा यहाँ पे फिलहाल ग्लूकोज का और ग्लूकोज को आपको पता है कि CHO होता है इधर. तो बच्चों फिर ग्लूकोज का आप लोगों को बीच में CHOH चार मिलेंगे, मैं यहाँ पे आप शॉर्ट डी लिखूंगा और फिर ग्लूकोज में आपको लास्ट में मिलेगा CH2H. अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इधर मैं आपको रिमाइंड कर लूंगा, इधर मैं दिखाऊंगा. जरा बच्चों देख लो ग्लूकोज में कितने कार्बन एच और ओ एच है, एक दो तीन चार. क्या लिखा मैंने ऊपर CHO, फिर क्या लिखा CHOH होल फोर और फिर क्या लिखा लास्ट में CH2OH. तो ये मैंने शॉर्टली लिखा ग्लूकोज का यहाँ रिप्रेजेंटेशन. तो मैं कहूंगा कि ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ में ग्लूकोज है. जो इस ग्लूकोज का रिडक्शन होगा आपको केमिस्ट्री टीचर सिखाएंगे कि जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है और वो एल्डिहाइड का रिडक्शन जाके जब होगा वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में. तो बच्चों अब ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप और प्लस बाकी सेम रहेगा CHOH होल फोर और यहाँ पे रहेगा CH2OH. अब हम इसको ग्लूकोज नहीं कह सकते हैं तो इसको हमने नाम देना है अब शुगर अल्कोहल. तो बच्चों इस शुगर अल्कोहल का नाम सॉर्बिटॉल है. Now, what is the sugar alcohol of glucose called as? Sorbitol. Very good, sorbitol. तो glucose alcohol में CHO group का reduction होगा और वो convert हो जाएगा alcohol में. और जब alcohol में होगा तो sugar है ये, लेकिन अब इसमें alcoholic group introduce हुआ तो नाम देंगे sugar alcohol. Are you done with this? Sir, remain. Mm-hmm.
चलो अगर मूव द नेक्स्ट स्लाइड एंड जहां मैं आपको थोड़ा सा ओवर शुगर अल्कोहल का, तो पहला हमने ग्लूकोज लिया, तो बच्चों सेकेंड में हम अब लोग लेंगे गैलेक्टोज। अब मैं स्ट्रक्चर से नहीं बता दूंगा, मैं अब डायरेक्टली नाम नाम बताते जाऊंगा। गैलेक्टोज का रिडक्शन होगा, तो बच्चों गैलेक्टोज का रिडक्शन जो शुगर अल्कोहल होगा उसको टर्सिटॉल कहते हैं, और या उसको गैलेक्टिटॉल कहते हैं। और फिर यहाँ में आप लोगों को याद रखना है, जैसे मैनोस होता है एक शुगर, तो बच्चों मैनोस का अगर रिडक्शन करें और वो उसको मैनिटॉल कहते हैं। और फिर एक शुगर होता है जाइलोस, और ये आई ड्रॉप में यूज होता है इसका शुगर अल्कोहल, तो इसका अगर रिडक्शन करें तो बच्चों इसको हम लोग ज़ाइलिटॉल कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ में कुछ शुगर का नया नाम पता चला, तो एक तो आप लोगों को गैलेक्टोज पता चला, एक तो आपको ग्रुप मैनोज पता चला, तो यहाँ मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए ऐड कर दूंगा गैलेक्टोज एंड मैनोस और एल्डोहेक्सोसिस। और यहाँ पे आप लोग याद रख लेना, जाइलोस इज एल्डो पेंटोस। बच्चों आप जाइलोस में कितने कार्बन, ये कार्बन एटम होंगे आप बताओ, नाम से ही कितने कार्बन एटम होंगे जाइलोस में? फाइव। वेरी गुड, फाइव होगा। जरा आप बताओ मैनोस में कितने कार्बन एटम होंगे? मैनोस में कितने कार्बन एटम होंगे? सिक्स। बच्चों गैलेक्टोज में कितने कार्बन एटम होंगे? सिक्स। जरा मुझे गैलेक्टोज और मैनोस के बगैर बता दो, कौन सा एग्जांपल बताया था मैंने आप लोगों को एल्डो हेक्सोस का? आप लोगों को बड़ा फ्रेश रहना है, अलर्ट रहना है, और जो मैं चीजें सिखाऊंगा ना उसी से पूछूंगा, कोई ऐसा नहीं पूछूंगा जो आप लोगों को मैंने नहीं बताया। अब बताओ गैलेक्टोज और मैनोज के बगैर कौन सा एग्जांपल है हम जो दे सकते हैं एल्डोहेक्सोसिस के लिए? ग्लूकोज। वेरी गुड, ग्लूकोज। जरा जाइलोज के बगैर हम लोग कौन सा एग्जांपल प्रेजेंट कर सकते हैं एल्डो पेंटोज के लिए? सिडोहेप्टोन। ना, वो तो हेप्टोस है ना बच्चे, वो कहां से पेंटोस आ गया? जाइलोज के बगैर एल्डो पेंटोज क्यों कौन सा एग्जांपल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अरे पेंटोस ना, एरिथ्रोज तो चार हो गया ना, एरिथ्रोज टेट्रोस हो गया। अरे पेंटोस का एग्जांपल क्या क्या बताया था? राइबोज होगा। वेरी गुड, राइबोज होगा। राइबोस जो है एल्डो पेंटोस है, राइबोलोस कीटो पेंटोस है, तो जैसे राइबोस है उसी का आइसोमर जाइलोस है, जैसे ग्लूकोज है उसी का आइसोमर मैनोस है, उसी का गैलेक्टोज है। तो अब आपको पता चला ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोस दे आर एल्डो हेक्सोसिस, राइबोस भी एल्डो पेंटोस है, जाइलोस भी एल्डो पेंटोस है। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो अब आप लोग बताएंगे मुझे, मैं अब इंडिविजुअली क्वेश्चन, हफीजा हफीजा बेगम विल टेल मी कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का हम और नाम क्या क्या दे सकते हैं? कॉपी नहीं देखना है, अपने दिमाग से बताना है, याद है गुड, नहीं याद है कोई बात नहीं, घर पे याद कर लेना, क्या है ग्लूकोज का अदर नेम? क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे ग्लूकोज के बाकी नाम क्या है? एल्डोहेक्सोज। ना, नाम अल्टरनेटिव, तो क्लास है उसका, अल्टरनेटिव नाम बताया था आज मैंने आपको ग्लूकोज के, और किस किस नाम से पुकारते हैं। अरे आज बताया था ना भाई, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड एज दिस ग्रेप शुगर एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड एज व्हाट? डेक्सट्रोज। जरा बच्चों लिवलोज किसका नाम बताया था?
लिवलोस किसका नाम था? लिवलोस, समीमा बताइए, समीमा टेल मी, लिवलोस किसका नाम था दूसरा? अब देखो आप लोगों का प्रेजेंट रहना क्लास में, वेरी गुड, आप लोगों का प्रेजेंट रहना कितना इम्पोर्टेंस है, मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। तो देखो बच्चों कितना प्रेजेंट रहना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये लिखा है, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, डेक्सट्रोज, ये लिखा हुआ है। फ्रक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड शुगर या लिवलोस। आप लोग खाली लिखने पे मत फोकस रखो, लिखना जरूरी है लेकिन आप थोड़ा दिमाग में भी दे दो यार कि नहीं हम लोग कोशिश करेंगे इधर ही याद रखने का भी। तो सर अगर पूछ लेंगे, अगर आएगा गुड, अगर नहीं आएगा तो तब भी हमने कोशिश करा था याद रखने का। चलो अब बता दो आप लोग मुझे कि ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, क्या 6 मेंबर्ड होता है या 5 मेंबर्ड? 6 मेंबर। वेरी गुड, 6 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड को क्या कहते हैं, फ्यूरानोस या पाइरानोस? ट्रायोस मींस 3 कार्बन एटम वाला शुगर, उसका एग्जांपल बता देना। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रायो शुगर का नाम क्या क्या था? ग्लाइसरलडिहाइड, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। जरा बच्चों पेंटोज शुगर का एग्जांपल बता दो मुझे। वेरी गुड, राइबोस एंड व्हाट? राइबुलोस। राइबोस एंड राइबुलोस। चलो बता दो मुझे आप लोग, राइबोस और डिऑक्सीराइबोस में कहां में डिफरेंस होता है? कार्बन एटम में। वो तो मुझे भी पता है कार्बन एटम पे, लेकिन किस कार्बन एटम पे? फास्ट पर। आप लोगों को मतलब बहुत बार मैंने रिपीट किया, अरे किस कार्बन एटम? हाँ, काइरल एटम। राइबोस और डिऑक्सीराइबोस में कौन सा कार्बन एटम पे डिफरेंस होता है? सेकंड है। वेरी गुड, अरे सेकंड है ना, इधर भाई सेकंड है ना, लिखा हुआ है सेकंड। जरा सेकंड में राइबोस में क्या होता है? H and OH, और इधर में क्या होता है? H and H. अब आप लोग प्लीज घर पे पढ़ लेना, और कोई चीज अगर पढ़ना होगा डाउट है तो वो आप डाउट क्लास में भी पूछ सकते हैं और या व्हाट्सएप वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। शुड आई एंड द मीटिंग? थैंक यू सर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।